शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन कृष्ण सदै सन्तु निरभया सदै भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चि दुर्भावने हरिओं शांति 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 ओम प्रभो स्त्रे भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरण मम श्री कृष्णा शरण मम श्री कृष्णा शरण मम। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक इन दिनों अपनी साधना को संपूर्ण करने के लिए श्रवण कर रहे हैं। गीता में साधना या गीता की साधना, गीता के भगवान कृष्ण किस माध्यम से हमारा कल्याण करना चाहते हैं, बड़ा अच्छा विषय है। हमारे बिल्कुल अनुकूल, हमारी मांग के मुताबिक अब मैं 16वें अध्याय में प्रवेश किया हुआ हूं। इसमें दैवी संपदा और आश्रित संपदा पर कुछ विचार हुआ। गुणों को अपने अंदर भर लेने वाला बड़ी जल्दी अपने आप को भगवान के योग्य बना लेता है। बहुत अच्छी बात भगवान ने कही, कोई अवगुण भी हो तो उसको बार बार विचारना नहीं चाहिए, क्योंकि अवगुण को बार बार विचारने से वो और भी पक्का हो जाएगा। गुणों को धारण करना चाहिए, अवगुण उसी में समा जाती है, क्योंकि गुणों में मेरी देवियों मेरे सज्जनों इतनी ताकत है कि अवगुणों का वापस नहीं चलता, अवगुण भगवान जी में समा जाते हैं। इसी अध्याय के 24वां यानी अंतिम श्लोक लीजिएगा। फरमाती है सरकार, फकत शास्त्र को बना रहनुमा, भगवान की आज्ञा शिरोधार्य किए हुए बड़ी मुद्दत से बरसों से आज प्रसंग अनुसार कुछ चर्चा हम सुनना चाहते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अंदर मेरे देवियों एकाग्र हो जाओ, धार्मिक शास्त्रों के लिए ये दो बड़े ही सार्थक शब्द बोले जाते हैं, शास्त्र या ग्रंथ। एकाग्र रहना देवियों सज्जनों, शास्त्र का अर्थ जो हमारे मनों पे शासन करे, शासन से बना है शास्त्र, ध्यान देना, जिसका अधिकार हमारे मनों पे हो जाए। मन नाम है विचारों का, शास्त्र नाम है उच्च विचारों का। जो शास्त्रों से प्यार करेगा उसके निम्न विचार खत्म हो जाके उच्च विचार बैठ जाएंगे। तो शास्त्रों का अधिकार हमारे मन पे हो जाएगा और शास्त्र अनुभवी महापुरुषों द्वारा प्रकट हुए हैं और अनुभव के पीछे भगवान की दिव्य शक्ति है। बन गई बात जीव की, अभी हमारे ऊपर शासन है गंदी वृत्तियों का,
पता नहीं था, वरना कभी ना इनको मन में बसाया जाता। अब निकालते निकालते ही देर हो रही है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मन पर शास्त्र का, दूसरे शब्दों में भगवान का अधिकार हो जाए। तो शास्त्र का मतलब जो जिसका शासन यानी हुकूमत हमारे मन पे हो। दूसरा प्यारा शब्द है ग्रंथ। ग्रंथ बना ग्रंथी से, ग्रंथ शब्द बना ग्रंथी। ग्रंथी बोलते हैं गांठ को, जैसे हम दो सिरे मिला के जोर के बीच में गांठ लगा दे तो ग्रंथी बन गई। गांठ देने से जीभ सम नहीं रहती, विषम हो जाती है, या रास्ते में तीन चार रोड़े इकट्ठे कर दो ठोकर से गिरेंगे। सम स्थल हो, विषम स्थल ना हो, कितने प्रेम से आपका या यातायात जारी है। तो जो हृदय की ग्रंथियां खोल डाले, गांठे खोल दे। कोई बताएगा हृदय में कितनी गांठे हैं? महापुरुषों ने हमें तीन गांठे बतलाई। सुनो जरा, अंतःकरण यानी बुद्धि मन चित्त अहंकार, इन चारों को मिला के आप जानते हैं अंतःकरण बोलते हैं। इनमें तीन गांठे हैं। बड़ा सोचा मैंने, कोई जवाब भगवान जी नहीं देते। अंदर भगवान की शक्ति के होते हुए फिर भी तीन गांठे। पिताजी घर में हो फिर भी शोरगोल मचा हुआ हो, भगवान आत्मा बन के विराजमान है, तो फिर तीन गांठे कैसी हो गई जबकि वो सर्वशक्तिमान है। आप इतनी गर्म प्रेस कपड़े पर रगड़ रही है, फिर उसके अंदर ये गांठे क्यों रह गई, सिलवटे क्यों रह गई? जब इतनी जोर की प्रेस ऊपर मार रहे हैं कपड़े पर, कोई जवाब नहीं मिली। देवी हो, मैं बड़ा टाइम खराब कर चुका हूं, कोई जवाब नहीं मिलता। वो गांठे कौन सी? इन्होंने एक काम बर्बाद कर रखा। एकाग्र मेरी देवी हो, एकाग्र मेरे बच्चों, बुजुर्गो, यही गांठे तलीन नहीं होने देती भगवान की जात में। शाबाश। जैसे मानो आंखों के अंदर अंजन हारी मोटी मोटी हो जाए इधर इधर इधर, तो आंख को बंद नहीं होने देगी। अंजन हारी होती है ना, इतनी लाल लाल आंखें हो जाती है, फिर हम सिंदूर डालते हैं। अंजनारी को दूर करने का बढ़िया तरीका है सिंदूर, जो आप मांग में भरते हैं, दो चार दिन मांग में ना भरो, उसी के साथ साथ लगा दो, सड़ जाएंगी बैठ जाएंगी। सिंदूर गर्म होता है, सुंदर। अब गांठे सुनिए, अविद्या काम कर्म। मैं फिर चौथी बार कह रहा हूं, एकाग्र हो जाना। ये तीन गांठे सुनिए, अविद्या की गांठ, अविद्या से कामनाएं खड़ी होती हैं, कामनाएं मजबूर करती है ऊट पटांग कर्म करने के लिए। अविद्या काम कर्म, और जरा विस्तार पूर्वक विचार करें। अविद्या, अज्ञानता, जहालत, ये सब प्रायवाची शब्द है। अविद्या या अज्ञानता किसे कहती है?
वस्तु तो हो कुछ और रूप में, हम अपनी मूर्खता से समझे कुछ और, उसे अविद्या कहती है। जैसे सूर्य का असली रूप क्या है, गर्माहट, उष्णता, यह असली रूप ये नहीं छोड़ सकता। ऊपर जो बादल आ जाते हैं वो उसका असली रूप नहीं, ग्रहण लग जाता है काला काला हो जाता है वो उसका असली रूप नहीं है। जोर की आंधी चलती है, सूरज मिट्याला सा दिखाई देता है, वो उसका असली रूप नहीं। असली रूप तो जगमगाना है आन से बान से शान से, वो असली रूप अपना नहीं छोड़ सकता। अब लीजिए सिद्धांत की बात महर्षि वेद व्यास जी की, जो जिसका असली रूप है वो नहीं छोड़ सकता। अंगारे का असली रूप गर्वैश नहीं छोड़ सकता, ऊपर की राख तो छोड़ देगा, ऊपर जो कोई और चीज आई है वो छोड़ देगा, लेकिन अपनी गर्वैश नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो उसका असली धर्म है। अच्छा, जब तक जान में एक भी प्राण है हां तब तक अपना असली रूप कोई नहीं छोड़ेगा। चंद्रमा का असली रूप शीतलता प्रकाश, चंद्रमा का यथार्थ स्वरूप क्या देवी, शीतलता प्लस प्रकाश, जिससे चंद्रमा के प्रकाश को अपनी राष्ट्रभाषा में क्या बोलते हैं, जानकारी कराता चलूं, एग्जैक्ट शब्द क्या है, उपयुक्त शब्द। ए पढ़ी लिखी मेरी बेटियों मेरे भाइयों, चंद्रमा के प्रकाश का असली शब्द क्या है, सुनिए, ज्योत्सना, आधा जा या कर ओ की मात्रा, जो फिर आदित्ता फिर सा फिर ना करना, जो सा भी आधा है, ज्योत्सना। और सूर्य की रोशनी का असली रूप क्या है, सूर्य के प्रकाश को क्या बोलती है, चंद्रमा के प्रकाश को क्या बोलती है, मैंने क्या बताया, ज्योत्सना। ठीक समझना, ज्योत्सना, ज्योति से बेटे, ज्योत्सना। तो सूर्य का प्रकाश तेज, तेज तो किसी महापुरुष के तप का होता है, महापुरुष ने जोर का तप किया तो उसके पीछे जो दिखाया जाता है तेज, कई बार पढ़ा होगा लेकिन अब याद रखना, प्रभा, इसी से बनता है प्रभाकर। अच्छा, सूर्य के प्रकाश को बोलते हैं मेरे सजनों प्रभा, पाक के पेट में रा डाल के, भा और आ की मात्रा, प्रभा, शाबाश। तो ये अपने असली स्वभाव को नहीं छोड़ सकते, असली धर्म को नहीं छोड़ सकते। अब इंसान का असली धर्म क्या है, जो हम छोड़ ही नहीं सकते, इस बात को न जानना अज्ञानता है, अविद्या है। हम अगर अपना असली स्वभाव छोड़े तो मर गए। सूरज छोड़े अपना असली स्वभाव, सूरज ही कोई नहीं, चंद्रमा छोड़े अपना स्वभाव, चंद्रमा रह गई नहीं, अग्नि छोड़ दे अपना स्वभाव तो राख हो जाएगी है। यदि अग्नि या अंगारा अपना असली स्वभाव छोड़ दे तो राख है, फिर अंगारा तो नहीं कहेंगे हम। हाँ, तो इस तरह इंसान का असली स्वभाव क्या है, द रियल एस्पेक्ट ऑफ मैन, हमारा यथार्थ स्वरूप क्या है, जिसके बिना हमारी मौत है, हमारा असली रूप क्या है, आत्मा है, ये शरीर नहीं, अंग नहीं, चेहरा नहीं, कोई और अवयव नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मनुष्य का असली रूप आत्मा,
जिसके बिना हमारी मौत है। जब हम कहते चाचा जी मर गए तो मतलब कि आत्मा छोड़ गई, उसके बिना कुछ भी नहीं शरीर, ये हमारा असली रूप है। पर अपने आप को असली रूप ना जानना, शरीर जानना, मैं नारी हूं, मैं नर हूं, हमारा खानदान ऐसा है, हमारा घर ऐसा है, परिवार ऐसा है, उसको जानना शुरू मां जलाती या पिता ही बताते या पड़ोस बताते, हमें कोई अपने असली रूप बताता ही नहीं। किसी ने एक बार भी घर में नहीं कहा कि असली रूप के बिना हमारी मौत है। अब गीता के माध्यम से, गीता की मेहरबानी से मैं समझ आ रही है कि हमारा रियल एस्पेक्ट जो है आत्मा है। सुनो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक बेटियों, जी जब ये ना जान के हम तो सारे शरीर समझते रहे कि मैं तो ये हूं एड़ी से चोटी तक, तो इसको अविद्या बोलती है। ये हमारा असली रूप ना हो तो फिर ये रूप किसका है? प्रकृति का। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश, ये प्रकृति का रूप है, पांच तत्वों का रूप है। हमारा रूप वो ज्योति है, प्रकाश है, तेज है, है। ये प्रकृति का रूप है। प्रकृति के पांच तत्वों ने ताना पेटा किया है, ताना बाना किसका? प्रकृति का। इसलिए प्रकृति इसे आत्मा के बाद ले लेगी, आत्मा के बाद ले लेगी। अब ये बात ना, ये कितनी क्लियर बात है, किसी को इतराज हो तो मुझे ना बोलने दो, किसी मेरी भगवती को इतराज हो तो मुझे ना बोलने दो। शरीर प्रकृति का अंग है और हमारा रूप प्रकाश, तेज, ज्योति, अच्छा, शक्ति, वो हमारा रूप है। अच्छा, अब ऐसा ना जानना, केवल अपने आप को शरीर समझना, तो क्या होगा? कामना खड़ी जाएंगी, कामना खड़ी जाएंगी। अविद्या के बाद दूसरी गांठ लग गई कामना की। कामना, कामना किसे कहती है? बोलो बेटे, आपने क्या समझा काम? आज तक हम कामना करते रहे, पूरी करते रहे, कामना है क्या? शब्द ऐसा हो ऐसा ना हो, ये एक मन में इतनी गहरी बार उतर जाती है, ऐसा हो ऐसा ना हो। हर एक ने अपने मन में अपने संस्कारों अनुसार बना रखी बात, ये नहीं कि ये यूनिवर्सल बात है, सार्वभौमिक बात नहीं, आलमगीर बात नहीं, हर एक के अपने अपने मुताबिक हो, ऐसा हो ऐसा ना हो। मेरा मन कहता है पूर्ण रूपेण एकांत हो और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं अपनी वृत्ति मालिक में जोड़े रखूं, मेरा मन ये चाहता है। अब आपके अनुकूल कुछ और है, आपके अनुकूल कुछ और बात है, हर एक के अपने अपने अनुकूल है। जो कुंवारियां हैं जिन्होंने शादी करनी है वो कुछ और ही समझे बैठी है, और अगर मैं और आप सारी ये बात जान लें कि मैं आत्मा हूं, असली मेरा रूप वही है, एक भी कामना नहीं खड़ी होती। अरे कमाल, गजब गजब। अगर हम पीछे हट जाए, है सब जान वालों में जानी वही कि फानी में गए, उसको हम अनुभव करने लग जाए, सारे कामना सड़ जाती, एक भी कामना खड़ी नहीं होती। पर जब हम शरीर समझने लग जाते हैं, पक्की जाती है, इसकी कामना का अंत ही कोई नहीं। कान के लिए अलग कामना, आंख के लिए अलग कामना, नाक की अलग कामना, मुंह की अलग कामना, हाथों की अलग कामना, इस तरह हर एक अंग की अपनी अपनी कामना है, फिर एक नहीं कई कामना है। मैं सुंदर लगूं, मैं अच्छी लगूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मेरा एक एक अंग अच्छा लगे, मेरा चीरा अच्छा लगे, मेरे गला ऐसा खाली ना हो, मैं नक्को बुत्ती ना रहूं, कन्नों नक्को बुत्ती ना रहूं, मैं इसमें पहने हुए हूं, पता नहीं क्या क्या जाता है। तो महापुरुषों ने बताया अज्ञानता में दूसरी गांठ कामनाओं की लग जाती है, ये चाहिए ये ना चाहिए,
और ये दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जो जो आयु बढ़ती है, वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं है, उत्कंठा, अभिलाषाएं बढ़ती जाती। बोलो बेटी बोलो। अभिलाषाएं बढ़ जाने से क्या होता है? विक्षेपता, मन में हलचल, ये कैसे पूरी करूं, ये क्यों नहीं पूरी हो रही, क्यों भगवान तो सबकी पूरी करता है, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा है। विक्षेपता, हलचल, बेचैनी, बेकरारी, गिले, शिकवे, शिकायत है, और गहरी नींद का आना बंद, असली भूख का लगना बंद, चेहरे पर क्या हो जाएगा, काली लालिमा की जगह कालीमा है, जलाल उठ जाएगा, मलाल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हाई कितने नुकसान कामने बढ़ जाने से, किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने समझाया तक भी नहीं कि कामना बढ़ाना अपने लोग पर लोग दोनों बिगाड़ना है, कामना बढ़ाना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है, कामना बढ़ाना अपनी रही खई शांति को भी मिट्टी में मिला देना है। क्योंकि कामना बेचैनी पैदा कर देंगी, कामना में सबसे बड़ा अवगुण क्या है बोलो, कमल, कामना में सबसे बड़ा अवगुण क्या है? गीता के आप अनुयायी हैं और ये नहीं बता पा रहे कि कामना में सबसे बड़ा अवगुण क्या है। हाँ बेटी, कामना में तृप्ति नहीं होती, कामना बढ़ती जाती है, ये कितनी गजब की बात है। कामना पूरी करो, पूरी नहीं होनी, उससे बढ़ जाना है। हाय कमाल की बात, बड़ा भारी धोखा जहान में। हम कहते हैं मैं बीए हो जाऊं, हो गए, पूरी हो गई कामना, हाँ कहां नौकरी चाहिए, कामना नौकरी का रूप ले लिया, नौकरी मिल गई, अच्छी तनख्वाह मिल गई, स्कूटर नया ले लिया, आता हूं जाता हूं मटक के, बड़े तरीके से उतरता हूं, नखरे से उतरता हूं, नखरे से चढ़ता हूं, ऐनक बड़े ध्यान से रखता हूं, ऐनक को बड़े ध्यान से पैंट में डाल के शो करता हूं, सब कुछ हो गया, अब बस नौकरी भी अच्छी मिल गई, स्कूटर भी अच्छा मिल गया, शानदार, लेकिन नहीं अब छोकरी चाहिए। हाय मेरे रब्बा, आखिरी श्वास तक मजाल है कामना पूरी हो जाए। देख लो मेरी बेटी मैया, बुजुर्गो, मेरे धार्मिक भाइयों, कामना ने पूरा होना नहीं, कामना शक्ल बदलती चली जाएगी। जैसे जिस शहर में बरूपिया आया हुआ हो, हाँ उसे 10 दिन मिलती है वहां रहने के, तो रोज नई नई शक्लें आपके सामने लाएगा, रोज वो नई नई शक्लें। रुपया मर नहीं गया, रुपया रूप बदल रहा है, कामना मरती नहीं, कामना रूप बदलती रहती है बहुरूपी की तरह, इसलिए कामना को बहुरूपिया कहा गया। तो अविद्या अगर दूर ना की गई तो दूसरी गांठ कामना की है, और कामना पूरी होने से कामना पूरी नहीं होती, कामना साड़ने से पूरी हो जाती है। कामना को विवेक वैराग से साड़ दो। भगवान ने गीता में ये नहीं कहा कामना पूरी करके फिर आग मांगा के दामन में, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाओ। गौर फरमाइए, ध्यान दो मेरी देवियों, कामना काटी जाती है, कामना पूरी नहीं होती। अब ये कोई बेटी को बतलाए, बच्चों को बतलाए, विद्या, ये भी एक बड़ा जरूरी पीरियड है कॉलेजों के अंदर, स्कूलों में, हाँ पर कोई नहीं समझाता। अच्छा जी, कामनों ने हलचल मचा दी, बेचैनी कर दी, कामनों ने हमें धोखा दिया, हम और पूरी करते दिन रात मरते रहे। अच्छा, अब कामना पूरी करते रहे, कामना बेचैनी होगी, इससे क्या हो जाएगा? अविद्या, काम और नाना प्रकार की तीसरी गांठ है क्रियाएं। कितनी क्रियाएं हो रही हैं समाज में, कितनी, सो मेनी एक्टिविटीज, और मेरी बेटी तू भी चक्कर में आ गई। पुरुष तो चक्कर में था ही,
मॉडर्न गर्ल भी बुरी तरह लपेटे में आ गई, बहुत बुरी तरह है। देख लो कितने चक्कर में आ चुकी हो। मुझे नौकरी मिले, मुझे ये नहीं करता, मैं घर में नहीं रहना, मेरे बच्चे बेबी सेंटर में पाले जाएं, मैं नहीं अपना दूध पिलाती, मेरी सुंदरता में फर्क पड़ता है, मैं नहीं बच्चे पालती, ये तो मैं ये हो सकता है। आए खाए, पहली गांठ अविद्या जी, दूसरी गांठ कामनाएं, तीसरी गांठ नाना प्रकार की क्रियाएं हैं, इग्नोरेंस, डिजायर्स और एक्टिविटीज। इग्नोरेंस, डिजायर्स एंड थर्ड एंड फाइनल इज एक्टिविटीज। बस इंसान मर गया इन तीन गांठों को लेकर। मन की ये तीन गांठें, मन में ये तीन गांठें जी, इससे क्या होगा, जन्म पे जन्म होते रहेंगे। ना कामना पूरा होना, ना हमारी क्रियाएं पूरी होनी, राग द्वेष के चक्कर पड़ जाएगा। तो नियम क्या है, लगाई थी लौ जिससे मरता रहेगा जन्मता रहेगा। गहराई में गह करो जब समय मिल गया करे, रात को जब नींद ना आए, दोपहर को जब कोई घर में धंधा ना हो, ऐसी बातों पर गहराई में गया जो गीता जी ने बताई है उनके गौर में जाओ तो ग्रंथ क्या होती है, हाय हाय, जो हमारी इन तीनों गांठों को दूर कर दे। ग्रंथ का यथार्थ अर्थ मेरे सजनों, ओ मेरी गीता से प्यार करने वाली देवियों, जो हमारी इन तीनों गांठों को क्या कर दे, भस्मीभूत कर दे, सार के रख दे। ग्रंथों का एकमात्र काम ये है, ग्रंथ का फंक्शन ये है, जो हमारी गांठें दूर करे। गीता उसमें नंबर वन है, महाग्रंथ। गीता को ग्रंथ कहना पाप जे, पाप जे, गीता महाग्रंथ है, चूंकि इसके अंडर सारे ग्रंथ आ जाते हैं। है अगर ग्रंथ का काम गांठें दूर करना है, हा तो ये गजब ढा देती है। मेरे से जानकारी लो, पहले 6 अध्याय क्या अविद्या दूर करती है, 7 से 12 ये 6 अध्याय आपकी कामना दूर करती है, 13 से 18 ये आपकी क्या करते बेटे, क्रियाएं दूर कर देती। तरीके से कैसे व्यास्तियां रख दिया, पहले 6 अध्याय क्या दूर करते हैं जी, अविद्या, बीच वाले 6 अध्याय काम, और अंतिम 6 अध्याय अविद्या कर्म। ये टंटे बंटे स्यापे शांत और फिर जब ये क्रियाएं खत्म हो गई तो फिर जीव कर्म कुछ नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्या मांगा के दामन में मेरी पना, पूरा पेन भगवान की शरण ले लेगा, पूरा पेन। 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक हम सब श्रद्धालुओं को बता रहा है, फकत शास्त्र को बना रहनुमा। केवल गीता शास्त्र को हम अपना रैबर बनाए, रहनुमा बनाए, पथ प्रदर्शक बनाए, गाइड बनाए, ये हमारे लाइफ गाइड है। गीता इज इक्वल टू लाइफ गाइड। ये उर्दू जानने वालों, मैं एक तोहफा दे रहा हूं आपको, क्या गीता इज इक्वल टू रहनुमा ए जिंदगी। ओए होए, ओए होए, ओए होए, ओए, गीता रहनुमा ए जिंदगी, गीता रहनुमा ए जिंदगी, ये हमारी जिंदगी की गाइड है। गीता इज अवर लाइफ गाइड, लाइफ गाइड। गीता जीवन पथ प्रदर्शिका है, गीता मार्गदर्शन करती है। आई खाए, ये तीनों गांठों को भस्मीभूत कर देती है। शाबाश, अगर भगवान की कृपा हो रही हो मेरे पर, आप पर, और हम यथार्थ रूप में महाराज जी की चोटी की वाणी को समझ रहे हो, तीन गांठें ढूंढे जाने पर भी नजर नहीं आती, क्यों, यूं ज्ञान अग्नि में जाते गए जल, अविद्या काम और कर्म।
और जीव पूर्णपेण अंतर्मुखी हो जाता है, और अंतर्मुखी होने से ख्याल उसके वश में। संसार संबंधी संकल्प विकल्प बल या ख्याल का मतलब है संकल्प विकल्प, नो मोर, और माइंड माइंड सब्लिमेटेड इन ऑलमाइटी, भगवान में सब्लिमेट हो गया, भगवान में मेरी भगवती एक में हो गया। हाय प्रभु और कृपा करो, और कृपा करो। तो शास्त्र को रहनुमा बनाना, शास्त्र को अपना गुरु बनाने का मतलब, मैं बताऊं, शास्त्र गुरु बनाना, गुरु शब्द कैसे सोच के बनाया गया है व्यास जी ने, लाइटें कर दो बेटे, कितना सोच के बनाया गया। गुरु शब्द दो शब्दों से बना है, है अक्षरों से नहीं, शब्दों से। जो जानकारी ना हो मेरे से लो, अपने हिंदू धर्म के बारे में जानो। गुरु शब्द दो शब्दों से बना, गू जमा रू, हाई गु को अलग कर दो गा में छोटे ऊ की मात्रा अलग, और जमा रा में फिर छोटे ऊ की मात्रा, पेट में ऊ है। अच्छा ये गुरु, गु होता है अंधेरा, ओए हुए, रू होते दिव्य ज्योति है, जो अंधेरे से दिव्य ज्योति में। गुरु कौन? जो अज्ञानता रूपी अंधेरे से निकाल कर ज्ञान रूपी रोशनी में ले जाए वो गुरु। आए गए गए, इसमें गीता ने नंबर वन पार्ट प्ले किया है, इसलिए गुरुओं को भी गुरु नाम गुरु कहा गया। गीता को कहा बेटे गुरुओं के भी महागुरु, गुरुओं की भी गीता, गीता इज इक्वल टू गुरुओं के भी महागुरु है। गुरु नाम गुरु, गुरुओं के भी गुरु है। जो अज्ञानता रूपी अंधकार से निकालकर हमें ज्ञान की रोशनी में ले चले उसे गुरु कहते हैं। तो भगवान जी क्या कह रहे हैं मुझे और आपको, गीता की साधना क्या है? फकत शास्त्र को बना रहे। भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार मेरे सजनों देवियो हम लग चले, ये हमारा महागुरु है। आ जितनी चोटी के गुरु है वो खुद गीता के पैरोकार है, गीता के फॉलोअर है, गीता के अनुयायी है। क्या? हाँ, गीता धीता गंगा जल लव कनिका पीता। हाँ, यमराज उसकी चर्चा नहीं कर सकता। कभी आप उनकी ये श्लोक पढ़े, बड़े कमाल के हैं ये। इन श्लोकों का नाम है मो मुद्गर। उसमें ये श्लोक आता है, गीता धीता गंगा जल लव कनिका पीता, यमराज उसकी चर्चा नहीं करेगा। हाँ, जिसने गीता को थोड़ा सा भी पढ़ के अपनाया है। आगे मुझे तजर्बा नहीं, मैं बोल देता हूं लेकिन मुझे तजर्बा नहीं, गंगा जल थोड़ा सा भी पी लिया है, हाँ उसकी यमराज चर्चा नहीं कर सकता। मुझे गंगा जल का तो अनुभव है नहीं भाई, ना मैं करना चाहता हूं, मुझे गीता जी का अनुभव भगवान जी ने करा दिया कि थोड़ा सा भी पढ़ के अगर अपना लिया जाए यमराज उसकी चर्चा नहीं करेगा। अर्थात वो यमराज का बकरा नहीं, वो कृष्ण का दास बन गया। यमराज तो अपने बकरे को लेने आता है, जो मन मुखिया है, कामी क्रोधी लोभी लालची लंपट कमीने योग भोगी रागी और द्वेषी, उनकी यमराज चर्चा करता है। हमेशा गिद्ध कुत्ते चीले किसकी चर्चा करते हैं? मुर्दार की, जो कहीं मुर्दा पड़ा हुआ हो उसकी गिद्ध चीले कुत्ते चर्चा करेंगे, उसके तोड़ तोड़ के खाएंगे। जो नास्तिक और गंदी वृत्तियों वाले हैं यमराज उनकी चर्चा करता है, जो भगवान के प्यारे गए यमराज उनकी चर्चा नहीं करता। बड़ी महिमा गाई है शंकराचार्य ने,
और आप तो बहुत पढ़ते हैं, बारवा अध्याय आपको याद है, गुणों के अनुसार आप अपने जीवन को बनाने का शौक रखती हैं। तो भगवान क्या कह रही है, फकत शास्त्र को बना रहे लो, कि मैं अपने जीवन पथ प्रदर्शी का गीता को बना लू। और मानिए हम एक हरिद्वार या ऋषिकेश पहली बार गए, वहां पर एक ब्राह्मण देवता आ जाएंगे, क्यों जी, राम राम, राम राम मेरे भाई, आप पहली बार आए हैं, हाँ मुझे केवल 5 रुपया दे देना, मैं आपको जगह जगह का परिचय भी करवा देता हूं और घुमा भी देता हूं। हाँ वो होती है क्या, पथ प्रदर्शक, परिचय देने वाले और आपको दिखाने वाले, आइए जी इधर आइए, इधर मोड़ आइए, ये फला मंदिर है, इस मंदिर को फला शेठ जी ने बनाया था, उसका कोई बेटा नहीं होता था, उसने मनौती मानी थी कि अगर मुझे गंगा मैया की कृपा से बेटा हो गया तो मैं गंगा मैया किनारे शानदार मंदिर बनाऊंगा और हर समय लंगर चलेगा। ये वो अपनी भावना गंगा ने पूरी कर दी, ये उसके लिए उनका मंदिर है। वाह वाह, इस तरह वो आपको बताता जाएगा आगे 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 आगे। तो गीता की, गीता में भगवान की गीता में बताती है, लेकिन भगवान क्या बताती, पग पग पर करना है क्या और न करना है। गुरु का काम यही होता है कि जो बेवकूफी से किया है वो हमसे रोक ले, हटा दे, और जो करना था उसमें हमें लगा दे। गीता की शुरुआत यहीं से गए, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, मैं चेला हूं मेरी जो हो नेक रास्ता बता दी, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, गीता की शुरुआत यहीं से है। लेकिन गीता के 2 काम है, जो अज्ञानता से हमने गंदगी अपने अंदर भर ली वो हटा दे, और जो मुझे असली रूप में भरना चाहिए था वो मेरे में रख, अब गुणों को निकाल दे, गुणों को भर दे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, ये है भगवान बता रहे, शास्त्र क्या बताता है, गुरु क्या बताती है, करना है क्या और ना करना है क्या। गीता ने इसमें नंबर 1 पार्ट प्ले किया है। ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, गीता ने कमाल कर दिया इसके अंदर, इसके बताने में गीता नंबर 1 है, बाबा क्या बताने में, करना है क्या और ना करना है क्या। इसको एक शब्द में बताइए, करना है क्या ना करना क्या, उचित अनुचित में भेद करना, उचित अनुचित में भेद। गीता बताती उचित क्या है, अनुचित क्या, बस। अब हमारा धर्म है भगवान की कसम खा के कि जो भगवान ने कहा है गीता में अपना ले, और जो कहा है कि छोड़ दो उसको छोड़ दे। बड़ी जल्दी आप भगवान की जात में तलीन हो जाओगे। गीता की मैं झांकी क्या दे रहा हूं आपको, गीता की साधना, गीता की साधना क्या है, करना है क्या और, ये गीता की साधना है। गीता में पूरा बता देती है, समझा देती है, रियलाइज करवा देती है, एहसास का मादा हमारे में पैदा हो जाता है, और हम छम छम रोते भी हैं, प्रायश्चित करती है, पश्चाताप करती हैं, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, मैंने बड़े शौक से किया, पर मुझे पता जो नहीं था, हाय, भगवान हमारी पीठ ठोकती है, हमारा मस्तक चूमती है, प्यार से कहती है अब रोके समय ना बर्बाद कर, जो तुझे पता लग गया कि ये नहीं करना था बाहर निकाल दे, जो आ गया प्राणनाथ, और ये जो मैं बता रहा हूं ये अंदर रख ले, जो आ गया मेरे प्रभु शाबाश, बहुत अच्छी मेरी बेटी। सियानी सास सबसे पहले आपको छाती से लगाकर, हमारे समय की बातें हैं, अब तो मेरे भगवान जाने समय कैसा आ गया, उन दिनों सास अपनी बहू को छाती से लगा के मस्तक चूमती थी और चांदी के रुपए उसकी झोली में भर देती थी, और मां कहती थी कि लक्ष्मी की कसम तुझे मेरी देवी, तू भी लक्ष्मी का रूप आई है मेरे घर में,
जगदम्बा का रूप है, जगत अम्बा जगत की माता लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का रूप है, जगदम्बा है। मेरी दो बातें सुन ले, बड़े गौर से इस घर के अंदर जो जो हमारा स्वभाव बना हुआ है उस रंग में डाल, उसी तो रंग में रंगी जा, उसी में तो ढल जा। आगे वो बोलती थी, ये तो ना सासु वाच, आगे बहु वाच। माँ जी आप मुझे बता तो दो मोटी मोटी बातें, मैंने क्या करना होता है। हाँ बहू, मैं यही सुनना चाहती थी कि बहू खुद बोले, फिर हमारी माताएं बताती थी। पुत्र एक तो तूने मेरे साथ उठ बैठना होगा, सवेरे मैं 3:30 उठती हूँ, मैं माँ जी आपके साथ, मुझे उठा लिया करो, मुझे आदत नहीं है। तेरे उस घर की पीहर की आदतें कुछ और थी या कुछ और आती है, ऐसा करना है। अच्छा फिर तूने वो करना है, मैं तो झाड़ू दिया करूंगी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब तूने जो है दही बलोनी है। अच्छा माँ जी मैं दही बलूंगी। तेरे घर में कुछ और बात हो गई, तू वहां उठती थी कि 6-7 बजे, मैंने सुना है। हाँ माँ, लेकिन याद सहित अब क्या कर रही है तू, साथ बताई जा रही है। कई आते तुझे मायके की छोड़नी होगी और नई आते पकड़नी होगी। अगर उम्र भर उसके मनोरी पुत्र के साथ नी मनोरमा बसना है तो कई छोड़ देनी होगी कि पकड़ देनी। अगर हमें लोक परलोक बनाना है अपने कन्हैया के कहने के मुताबिक कई बुराइयां छोड़नी होगी, कई गुण पकड़ लेने होंगे। अगर सचमुच आप मेरे साथ तरना चाहते हैं, ये जहाने फानी से कूद करना चाहते हैं, तो मानो अपने सरताज अपने मन के राजा कन्हैया की कई बातें छोड़ दो जो कह रहे हैं वो, और कई पकड़ लो बेड़ा पार। ये शास्त्र बताता जो गांठें खुलती है क्या करना है क्या। और जैसे मैंने अभी अभी कहा, नई बहू को सास बताया करती थी, बेटी उस घर की रहनी सहनी खाना पीना और प्रकार का। तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं थी, हमारे धन हमारे घर में लोड़ दी थोड़ तो नहीं पर धन ज्यादा नहीं है, हम सोच समय का खर्च करती हैं। तेरा बाप ये नहीं सोचता था, इसे तुझे ढालना पड़ेगा यहाँ पर। तेरे तो कुत्ते भी मैंने सुना दूध पीते थे, और यहाँ इतना ही दूध मुश्किल से होता है कि हम चाह बना ले। तेरे कुत्ते दूध पीते थे या सिर्फ चाह नसीब हो जाए तो भी हम शुक्र मनाते हैं। है शाबाश, है शाबाश, तेरी तो दूध छान के बाकी उपटन फेंक देते थे, हमारे यहाँ तो उपटन शरीर पे लगाई जाती है। हमारे पास इतना सरसों का तेल नहीं मंगवाया जाता, इसी से ही शरीर पर चकनाहट हो जाती है। सुनी जा जरा बातें, कितना आपको नया बनना पड़ेगा। इसी तरह भगवान की बातें सुनकर हमारी ओवरहॉलिंग हो जाएगी, जैसे पुरानी मशीनरी की ओवरहॉलिंग होती है कार की या किसी भी ऑटोमोबाइल की। तो गीता तो हमारी ओवरहॉलिंग कर देती, पुराने इरादे गए, पुराने विचार गए, पुरानी आदत गई, पुराने जज्बात गए, पुरानी संगत गई, वो गंदे मंदे कपड़े पहनना गया, फैशन गया, चेहरे को सजाना सजूना गया, सादा जीवन उच्च विचार है। गीता जी की ये शिक्षा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, फकत शास्त्र को, शास्त्र बताएगा करना है क्या और न करना है क्या। कितना जोर से कह रही है, बस अब धर्म पर, धर्म किसे कहती है, जो शास्त्र में बताया गया उसे धर्म कहती है। देखो भगवान ने एक एक शब्द का कमाल किया है, बस अब धर्म पर, धर्म का मतलब जो भगवान ने अपनी श्रीमुख से कहा और गीता ने जिसे प्रिजर्व किया हुआ है, वो मैं कुर्बान, गीता ने जिसको अपने में रखा हुआ है उसको धर्म कहती है। कई बार होता धर्म क्या है हमारा, जो भगवान जी ने अपने श्रीमुख से हमें करने को कहा वही हमारा धर्म है, और ना करने को कहा वही हमारा धर्म है। ये नहीं करना ये करना है, ये हमारा हिंदू धर्म वैदिक धर्म है। हिंदू धर्म वैदिक धर्म हमारा क्या है, यही है। जिसको भगवान जी ने रोका है वो नहीं करना,
और जिसको उन्होंने रिकमेंड किया वो हमने जीवन में धार लिया। गुड, भगवान उसे धर्म का, बस आप धर्म पर दिल दिएगा मदाम। आगे क्या कहा है, फकत अमल शास्त्र पर किए जा मदाम। जिंदगी के आखिरी सांस तक भगवान जी के अनुसार जुटे रहे। गीता की साधना, सुनो मेरी देवियों, मेरे सजनों, जिंदगी के आखिरी सांस तक जो भगवान जी ने कहा उसी के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने तन को ढालते चले, बनाते चले। भगवान कहते बस तेरे कल्याण करने में मैं देरी नहीं लगाऊंगा। समय आपका समाप्त हो गया, भगवान जी ने चाहा तो हम इसको कल फिर लेंगे। क्या लेंगे बाबा, फकत शास्त्र को बना रहनुमा। शास्त्र बताएगा करना है क्या, और गीता की साधना। क्या गीता की साधना करना है क्या और न करने, बस एक छोटी सी पंक्ति में सब कुछ आ गया, करना है क्या और हाय सब कुछ इसमें आ गया। What is to be done and not to be done, to be done and not to be done, बस इसमें आ गया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक खुशी। गीता की वाणी से वो ज्ञान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। हाय, गीता की वाणी से वो ज्ञान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। प्रभु जी की वाणी ने हंसना सिखाया, दुख और कष्टों को दूर भगाया। प्रभु जी की वाणी ने हंसना सिखाया, दुख और कष्टों को दूर भगाया। मुस्कराते रहने का फरमान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। हाय, मुस्कराते रहने का फरमान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। हाय, गीता की वाणी से वो ज्ञान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। गीता की वाणी ने किया है कमाल, खुशियों से भरा एक जहान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। हाय, खुशी से भरा एक जहान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। हाय, गीता की वाणी से वो ज्ञान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। गीता की वाणी से बिगड़ी बनाला, मौका ये सुनहरी मिला लाभ उठा लो। गीता की वाणी से बिगड़ी बनाला, मौका ये सुनहरी मिला लाभ उठा लो, लाभ उठा लो। व्यति ज्ञान गंगा में स्नान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। बति ज्ञान गंगा में स्नान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। गीता की वाणी से वो ज्ञान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। गीता की वाणी को पढ़ा पढ़ा, खुश होंगे इसे सुना सुना। गीता की वाणी को पढ़ा पढ़ा, प्रभु खुश होंगे इसे सुना 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 सुनाओ। मुझे ऐसी सेवा से भगवान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। हाय, मुझे ऐसी सेवा से भगवान मिल गया,
खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया, हो गीता की वाणी से वो ज्ञान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। गीता भगवान की उत्तम निशानी, सौगंध प्यारे कृष्ण की न भूले हिंदुस्तानी। गीता भगवान की उत्तम निशानी, सौगंध प्यारे कृष्ण की न भूले हिंदुस्तानी, न भूले हिंदुस्तान। कल्याण करने वाला मेहरबान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया, है कल्याण करने वाला मेहरबान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया, है गीता की वाणी से वो ज्ञान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। साधु की प्रार्थना सुनो बहन भाई, गीता अपना सुंदर घड़ी ये आई। साधु की प्रार्थना सुनो बहन भाई, गीता अपना सुंदर घड़ी ये आई। दिल को लुभाई गीता के रूप में वरदान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया, है गीता के रूप में वरदान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया, है गीता की वाणी से वो ज्ञान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया।